हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRAMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट, आपको यहाँ ये जो नंबर दिए गए हैं आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न करना है। देखो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स है आप इनके आंसर पावर में करें। कैसे करेंगे? जैसे ये 0.00000000000085 है, तो आपने डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेना है। इट मीन्स आपने करना है 8.5 इंटू 10 पावर। यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया ना, तो ये कितने डिजिट मूव हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह 10 पावर माइनस 12 हो गया। दैट्स ओके, सो सिंपल। अब पार्ट सेकंड की बात है। आप डेसिमल को यहाँ से 9 और 4 के बीच में शिफ्ट कर लें। इट मीन्स ये हो गया 9.42 इंटू 10 पावर। अब इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से यह भी पावर माइनस 12 हो गया। यह 9.42 इंटू 10 पावर माइनस 12। That's okay. अब पार्ट थर्ड की बारी है। देखो इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो आप मान लो यहाँ पर डेसिमल है अपनी ओर से। अब आपने ये यहाँ से 6 और 0 के बीच में शिफ्ट करना है। इट मीन्स ये हो गया 6.02 इंटू, देखो इसमें पहले से डेसिमल नहीं है, यह पॉजिटिव नंबर है इसीलिए पावर पॉजिटिव में ही होगी। आपने यहाँ शिफ्ट किया है ना, तो यहाँ से कितने डिजिट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इट मीन्स यह हो गया 6.02 इंटू 10 पावर 15। That's okay. अब फोर्थ की बारी है। सेम आप इसका डेसिमल यहाँ 8 और 3 के बीच में शिफ्ट कर लेंगे। 8 मीन्स ये हो गया 8.37 और डेसिमल के कितने डिजिट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स इनटू 10 पावर माइनस 9। अब यह फिफ्थ की बारी है। देखो इसमें भी डेसिमल पहले से नहीं है, आप यहाँ माइंड करेंगे और यहाँ से 3 और 1 के बीच में शिफ्ट करेंगे। इस तरह से ये हो गया 3.186 इंटू 10 पावर। देखो यहाँ पहले से डेसिमल तो है नहीं, यह पॉजिटिव नंबर है तो पावर पॉजिटिव ही रहेगी। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 मीन्स 3.186 इंटू 10 पावर 10। दैट्स ओके। ये तो बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एज यूजुअल फॉर्म। स्टूडेंट, आपसे यहाँ बोला है कि आप इन नंबर्स को एज यूजुअल फॉर्म में करो। एज यूजुअल फॉर्म कौन सी होती है? ये वाली। ओके, पार्ट 1 है 3.02 इंटू 10 पावर माइनस 6। देखो स्टूडेंट, यह पावर माइनस है ना, इट मीन्स आपने इधर की साइड में 6 डिजिट करने हैं। 6 के लिए 1 डिजिट तो ये हो गया, 5 और लगाने हैं 0। इट मीन्स ये हो गया 0 पॉइंट। अब आप 5 0 लगाएं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ये हो गया मीन्स 3 0 2। आप यहाँ से आपका यहाँ डेसिमल है, यहाँ से यहाँ तक 6 डिजिट होते हैं जो कि यह नेगेटिव फॉर्म के लिए है। दैट्स ओके। पार्ट सेकंड ये है 4.5 × 10⁴। इट मीन्स हो गया कि आप यह 4 और 5 इसके आगे 4 0 लगाएं, 1 2 3 4 5 और यह 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ डेसिमल। दैट्स ओके। नाउ पार्ट थर्ड 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8। तो यहाँ आपने 8 डिजिट करने हैं मीन्स 8 0 लगानी है। इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद 3 नोट करना है और फर्स्ट 0 के बाद डेसिमल। अब आप ये सारे 8 डिजिट होने चाहिए। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट्स ओके। नाउ पार्ट 4 ये है 1.0001 तो स्टूडेंट आप इस गिवन नंबर के आगे 9 0 लगाएं। आपको यह गिवन नंबर है ना 1 0 0 0 1 इसके आगे 9 0 लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह आपको डेसिमल के 4 डिजिट के वन है 1 2 3 4 तो आप 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लें 1 2 3 4। आप यहाँ पर डेसिमल लगा लें। आप जानते हैं ना कि डेसिमल के बाद के 0 यूजलेस होती हैं तो आपकी वैल्यू यही रही। दैट्स ओके। कितनी 0 हैं यह 1 2 3 4 5। ओके। इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ये 5 0 आपका आंसर हो गया। दैट्स ओके। नाउ पार्ट फिफ्थ 5.8 × 10�12। पार्ट फिफ्थ 5.8 × 10�12। तो स्टूडेंट आप यह 5 और 8 नोट करें, 5 8 इसके आगे 12 0 लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यह 1 डिजिट के बाद डेसिमल है ना तो आप यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल यूज कर लें। ओके। डेसिमल के बाद की 0 की वैल्यू तो है नहीं, आप चाहें तो इसे कट कर दें मीन्स रिमूव कर दें। यह 11 0 के साथ आपका आंसर हो गया। दैट्स ओके। नाउ पार्ट 6 3.61492 × 10⁶। पार्ट 6 3.61492 × 10⁶। स्टूडेंट आप यह डिजिट सेम टू सेम कॉपी करें मीन्स 3 6 1 4 9 2 और इसके आगे 6 0 लगाएं, 1 2 3 4 5 6 और यह डेसिमल डिजिट हैं 1 2 3 4 5। आप 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं 1 2 3 4 5 यहाँ डेसिमल लग गया। आप जानते हैं ना कि डेसिमल के बाद यह 0 यूजलेस होती हैं, इन्हें रिमूव कर दें। आपकी 0 बची ओनली 1। दैट्स ओके। यह आपका एक्चुअल आंसर हो गया। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ 6 0 आनी है और यह डिजिट हैं 1 2 3 4 5। 5 डिजिट तो ये हैं, 6 लगने हैं तो 1 0 एक्स्ट्रा होगी। ये शॉर्ट मेथड समझ आए तो इससे करें, नहीं तो आपको जो एक्स्ट्रा जीरो के साथ कराया है उसके थ्रू कर लें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट, आपको ये जो नंबर दिए हैं इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में करने हैं, जैसे क्वेश्चन 1 में किए थे। देखो इसमें जीरो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 है, 6 जीरो है ना, तो इसका आंसर हो गया is equal 1 into 10 पावर, यह डिवाइड कर रहा है ना, तो नेगेटिव हो गया, -6। अब इसकी बारी है, इसमें भी देखो यह डेसिमल पहले लगा है, आपने यहां से डेसिमल यहां पर शिफ्ट करना है, तो कितने डिजिट मूव हुए, 1 2 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 1 19। इक्वल हो गया 1.6 into 10 पावर -19। अब ये थर्ड की बारी है, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज, ये कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया इक्वल 5 into 10 पावर -7। पार्ट 4, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज दिस वन। देखो स्टूडेंट, इसमें डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, देखो यहाँ कितने डिजिट हो गए, यहाँ से यहाँ पर 1 और 2 के बीच में शिफ्ट करना है, तो कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 8 मीन्स हो गया 1.275 into 10 पावर -5। नाउ पार्ट 5, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज दिस वन। देखो यहाँ डेसिमल हम यहाँ से यहाँ ले आए 7 के बाद में, तो यह 2 डिजिट है, इक्वल हो गया 7 into 10 पावर -2। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी, संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाए। दिव्य सनातन कथा। क्वेश्चन 4, in a stock there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheet each of thickness 0.016 mm. What is its total thickness of the stock? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक स्टॉक में 5 बुक हैं, थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट इज 20 mm और यहाँ पर 5 पेपर शीट हैं, हर एक की थिकनेस 0.16 mm है। आपने टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपको गिवन है थिकनेस ऑफ ईच बुक इज 20 mm। यहाँ नोट करें थिकनेस ऑफ ईच बुक इज इक्वल 20 mm और यहाँ 5 बुक हैं, तो 5 बुक की थिकनेस कितनी हो जाएगी, यहाँ नोट करें थिकनेस ऑफ 5 बुक इज इक्वल 5 into 20 mm हो गया, इज इक्वल यह 100 mm हो गया। और यहाँ आपको थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट 0.016 mm गिवन है, यहाँ नोट करें थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट इज इक्वल 0.016 mm। तो 5 पेपर शीट की थिकनेस कितनी होगी, यहाँ नोट करें थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट इज इक्वल 5 into 0.016 इज इक्वल, देखो 16 5 टाइम 80 हो गया, यह 0.0 mm हो गया। आपको यहाँ टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक आस्क किया है, यहाँ नोट करें टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक इज इक्वल, देखो उसमें यह थिकनेस ऑफ 5 बुक और थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ नोट करें इज इक्वल थिकनेस ऑफ 5 बुक प्लस थिकनेस ऑफ 5 paper sheet. Ag equal थिकनेस ऑफ 5 बुक, यह 100 मिलीमीटर है, यह 100 हो गया, प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, यह 0.080 मिलीमीटर है, 0.080 मिलीमीटर। आप इनको ऐड करें तो यह देखो 100.08 हो गया, यह मिलीमीटर है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना चाहें तो डेसिमल को यहां शिफ्ट कर लें। एजी इक्वल हो गया 1.0008 इंटू 10 पावर 2 मिलीमीटर। दैट्स ओके।